स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लो जी अक्षरा अभिमन्यु की फाइनली शादी हो गई, कोर्ट मैरिज हो गई, एक दूसरे के गले में वरमाला भी चला गया। और ये सब देखकर सभी घरवाले बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुद अक्षरा और अभिमन्यु भी। और सबसे ज़्यादा खुश है तो वो है अबीर, जिसे अब अपनी परफेक्ट फैमिली बहुत जल्द मिल जाएगी। अभिमन्यु अक्षरा की शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, लेकिन फाइनली शादी हो गई। लेकिन उसके बाद भी एक अड़चन आ गई। उधर दूसरी ओर मंजरी भगवान जी से मना रही है कि अक्षरा अभिमन्यु की शादी ना हो, वो चाहती है इनकी शादी कैंसिल हो जाए। दोनों की शादी में जो अड़चन की बात हम कर रहे थे वो है पुलिस। जी हाँ, दोनों जैसे ही पेपर्स पर साइन करने जाते हैं उसके पहले पुलिस वहाँ आ जाती है। दोनों पेपर्स पर साइन करने ही वाले होते हैं, उतने में ही पुलिस आती है और कहती है, मिस्टर अभिमन्यु बिरला, हमें आपको अरेस्ट करना होगा क्योंकि आपके ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा है। अक्षरा को अपने नसीब पर यकीन ही नहीं है, वो जब भी कुछ ना कुछ करने जाती है तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, खुशियां तो उससे बहुत दूर दूर रहती है। जब से अभिनव अक्षरा की ज़िंदगी से गया है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब देखिए, कोर्ट मैरिज के पेपर्स पर साइन करने ही जा रहे होते हैं कि उतने में ये सब ड्रामा हो जाता है। अभिमन्यु को ज़रूर इस फ्रॉड के केस में पार्थ ने ही फंसाया है, जिसकी वजह से पुलिस अभिमन्यु को अरेस्ट करना चाहती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आप इस सीरियल को एंजॉय करिए, इस आने वाले हर हाई पॉइंट को एंजॉय करिए, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे हाई पॉइंट्स आने वाले हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।